तू ऐसी बात करेगी ना देविका तो मैं चली जाऊंगी। ए अनु चिल कर यार। क्या चिल चिल, तू चिल कर। हम लोग कॉलेज के दोस्तों से मिलने जरूर आए हैं पर हम लोग अभी कॉलेज में नहीं है। ये मेरे तीन बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरी बा है, मेरे बापू जी हैं, मेरी एक बहू आ चुकी है, एक बहू आने वाली है। तुझे पता है मुझे ये सब बातें कॉलेज में भी नहीं पसंद थी तो अब क्या होगी। आई एम सॉरी बाबा, मैं कुछ ज्यादा बोल गई लेकिन ये बात सच है कि वो तुझे पसंद करता है। कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी हमेशा सीधे रास्ते पे चली और हमेशा सीधे रास्ते पे ही चलती रहेगी। इधर उधर देखने की फुर्सत ना मेरे पास तब थी ना अभी। तो मत देख मत सुन, तेरे टीवी पे अगर लव स्टोरी है ना तो टीवी का चैनल बदल देना और अगर चैनल बदलने के बाद भी है ना तो टीवी तोड़ देना। अरे अनु लड़कियां परेशान रहती हैं कि उन्हें कोई एडमायरर मिले, तू अब इसलिए परेशान है क्योंकि तुझे एडमायरर मिल रहा है। फिर भी तू ये सब बोलती रहेगी ना। ठीक है मैं चलती हूँ। अनु तू ऐसी क्यों है? कैसी? सबसे प्यारी सबसे अच्छी। अरे कॉलेज में सब लड़के प्रिंस चार्मिंग के सपने देखा करते थे सिवाय तेरे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसे राजकुमार सिर्फ और सिर्फ सपनों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। गई मेरी 350 रुपए की, सॉरी 350 रुपए की सैंडल सिर्फ दो ही बार पहनी है मैंने। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। पहचाना? हाँ वो नहीं, वो नहीं। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। एक्चुअली जो हमेशा से तुम्हारा हमारे पीछे रहा वो कैसे याद रहेगा? जो सबसे पीछे रहता था आज अव्वल हो गया। लग रहा था किस्सा आधा, अब मुकम्मल हो गया। पकाते वक्त चावल में एक चम्मच घी डालो और थोड़ा सा नींबू डालो तो चावल एकदम खिलखिल के पकेंगे। जब सामने वाले की बात समझ में नहीं आए और सर के ऊपर से जाए तो कैसा लगता है पता चला? इंटरेस्टिंग। अभी जो आपने कहा वो सीधे सीधे बोले ने? बोल दो। हाँ? बोल दो। हाँ? फिर कभी। उससे पहले मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तुम्हारा पुराना क्लासमेट, बैक बेंचर, कल्चरल कमेटी का सेक्रेटरी, छपरी डांस का एक्सपर्ट, अरे तुम्हारे डांस का फैन अनुज, अनुज कपाड़िया। इस कारखाने की जितनी कीमत उन्होंने ऑफर की है ना, कोई बेवकूफ होगा जो मना कर देगा, कोई
अनुज कपाड़िया लिखा हुआ है। वही जो अब एक सुपर रिच एनआरआई बिजनेसमैन है। याद आ गया, मैं जानती हूँ आपको। मैं आप नहीं, तुम हो। आप कह रहे तो आप तुम होगे। एंड सेकेंडली, वाकई नहीं पहचानी मुझे वो। आप तुम? हाँ, तुम आप वो बहुत बड़े एनआरआई बिजनेसमैन हैं जो अहमदाबाद में प्रॉपर्टी लेने आए हैं और यहाँ पर स्कूल, अस्पताल वो सब खोलना चाहते हैं, है ना? पहचाना भी तो बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया को। कॉलेज के अनुज के बारे में कुछ नहीं याद? सॉरी, नहीं याद। ख्वाबों में एक शहर है पर आबाद नहीं है। तुम याद हो हमें, तुम्हें हम याद नहीं है। ये सीधे सीधे नहीं बोल सकते, ये अहमदाबाद नहीं है, हैदराबाद नहीं है, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। वो कॉलेज के टाइम पे भी मुझे ये शहरी वहरी समझ में नहीं आती थी, तो कॉलेज में समझने की कोशिश नहीं की इसलिए समझ में नहीं आया। इस बार समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। हाँ? ये गालिब कपाड़िया तो वही है जो हमारा कारखाना खरीदना चाहता था। कहाँ फंसा दिया कान्हा जी? अरे यार, क्या हो रहा है? कोई मुझसे मिल क्यों नहीं रहा? सब भूल गए क्या? What's up man? यार तू बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, हेयर स्टाइल चेंज किया क्या? गॉड, वो गोराड़िया बिल्डर्स हमसे मीटिंग के लिए मान गए। आई होप वो हमारी डील के लिए भी मान जाए। आई होप सो। वैसे हम यहाँ धक्के खाते फिर रहे और अनुपमा वहाँ पार्टी कर रही होगी। यू नो व्हाट काव्या, तुम मुझे कहती हो लेकिन अनुपमा के बारे में तुम ज्यादा सोच रही हो, वो भी 24/7। एक आदमी अपनी एक्स वाइफ को भुला सकता है लेकिन एक औरत अपनी एक्स सौतन को कभी नहीं भुला सकती। तो शट अप, ओके? यू शट अप एंड लेट्स गो नाउ, वी आर गेटिंग लेट। पर समझ में नहीं आ रहा कि इसने अचानक से कारखाना खरीदने से मना क्यों कर दिया। पूछ ले तू, ऐसी पार्टी में कैसे पूछूं? बापूजी और मिस्टर शाह को जाके बताऊंगी कि अनुज कपाड़िया तो जान पहचान का निकला।